हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला और अब हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं फॉर द सीओईटी प्रिपरेशन दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और बच्चों जैसा मैम ने बताया है बिना वन शॉट देखे आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करनी है क्योंकि आप भूल चुके होंगे बोर्ड दिए हुए आपको बहुत टाइम हो चुका है इसी पे हमारे है ना आपकी मैम ने आपको पढ़ाया था आपको क्या करना है आपको स्पीड थोड़ी फास्ट करनी है और एक बार रिवाइज करना है ना बट थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में होता क्या है, है ना सो so दैट आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में

वाई बिकॉज दे कॉज सर्टन डिजीजे जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारा वायरस ठीक है हमारे पीछे पड़ गया हाथ धोकर तो के और एकदम कसम खा लिए भैया हम छोड़ के जाएंगे नहीं इनको है ना ये होस्ट हमें बहुत पसंद आ गया है ये जो ह्यूमन एज अ होस्ट है इनपे इसका दिल लग गया है है ना और ये जाने को ही तैयार नहीं है 2019 से सिलसिला शुरू हुआ था 2022 में पहुंच चुके हैं बट इसका एंड हो ही नहीं रहा यार अभी हाल फिलहाल में आप न्यूज देखते हो तो आए दिन कोविड नाइनटीन के बारे में होता है कि आज आ, इतने सारे केसेस आ गए इतने सारे डेथ्स हो गए है ना तो ये नहीं जा रहा तो वायरस समथिंग ठीक है जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है हमारे लिए और आपको पता है जो सेकेंड स्ट्रेन आई थी अप्रैल के टाइम पे 2021 में वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जब ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन जिन्होंने रिलेटिव्स में ही सुना होगा कि की एक्साइजेड

कहां कहां पर हमने हमने पढ़ा था? हमने इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था जैसे सबसे पहले हमने यूज देखा था कहा पर? पर देखा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कहाँ पर बच्चों दही में लैक्टोबैसुलसब बैक्टीरिया होता है ठीक है और एनसीआर ने हमें पढ़ाया था चीज के बारे में ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज किस पे डिपेंड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स पर जिस प्रकार का आप माइक्रोव इस्तेमाल करते हो बच्चों वो specification के साथ उस चीज का जो फ्लेवर है ठीक है देखने में जैसा है वो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है है ना और और ब्रेड हम अपने घर में खाते हैं दैट इज ऑल्सो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बड़े मजे में इडली डोसा बनाते हैं है ना फर्मेंटेड प्रोडक्ट है और क्या पढ़ा था हमने टॉडी के बारे में पढ़ा था टॉडी क्या होता है बच्चों टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है कहाँ का साउथ इंडिया इडली और डोसा फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है ठीक है ब्रेड जिसमें बड़े सारे होल्स uh, होते हैं पोर्स होते हैं कौन प्रोड्यूस करता है कौन सा माइक्रोब इसमें इन्वॉल्व होता है ईस्ट इन्वॉल्व होता है ठीक है टॉडी एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है जो कि इसी एक पाम से बनाया जाता है उस पाम प्लांट का नाम क्या है कैरियोटा यूरेंस ठीक है उसका नाम क्या है बच्चों यूरेंस और अगर इस टॉडी को आप छुओगे नहीं इसको लेफ्ट मतलब ईस्ट दे देम ठीक है तो ये सारा पढ़ा था और एनसीआर कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी लिखती है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी लिखती है विजेता वाले सीरीज में वन में वन शॉट सब कुछ बताया गया है बच्चों ठीक है जैसे बैम्बू शूट्स को फर्मेंट कर सकते हैं फर्मेंटेड फिश के बारे में लिखा हुआ है सोयाबीन से बहुत सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स डिराइव होते हैं तेम्फे तोफू सूफू है ना तो यस ये सारे किसके अंदर आते हैं ये सारे बच्चों हमारे आते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर इसके अलावा एन यूज बताती है इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अच्छा आप इंडस्ट्री लेवल पे बना रहे हो घर के लेवल पे तो बन नहीं रहा बच्चों तो ऑब्वियसली आपको पता है इंडस्ट्री में बनेगा तो एक ही बार में बहुत ज्यादा अमाउंट बनेगा और बर्तन फिर ज्यादा चाहिए होगा है ना जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है तो बर्तन भी बड़ा होता है तो इंडस्ट्री में जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह बनाना है तो आपको बड़े बर्तन चाहिए उन बड़े बर्तन को क्या बोलते हैं फर्मेंटर्स और इन्हीं फर्मेंटर्स में फिर क्या होता है फर्मेंटेशन होती है ठीक है और यही फर्मेंटेशन इस्तेमाल होती है एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में जिसका नाम क्या है बच्चों जिसका नाम है अल्कोहलिक बेवरेजेस ठीक है तो अल्कोहलिक बेवरेजेस इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो एनसीआरटी बच्चों आपको पढ़ाती है

इतने प्रकार के क्यों हैं क्योंकि अल्कोहल कंसंट्रेशन वेरी करता है और जिस रॉ मटेरियल से ये बन रहे हैं वो भी वेरी करता है ठीक है बट अल्कोहलिक बिवरेज बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल होता है कलर चेंज करती हूँ वो रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों जस्ट अ सेकेंड वो रॉ मटेरियल होता है शुगर एनी फॉर्म ऑफ द शुगर कोई भी फॉर्म ऑफ द शुगर है ठीक है That form. First of all, it has to be converted into the simple wala, that is glucose. Hena? Feroes glucose ko kya kara Ferment kara. Hoge. This glucose will undergo fermentation. And after fermentation, it will form what? Alcohol. Or you can say ethanol. And

ईस्ट का कहा इस्तेमाल हो रहा है इसको क्या बोलते हैं देअर फोर इट इज नोन एज ब्रीवर्स ईस्ट क्या बोलते हैं इसको इट इज नोन एज ब्रीवर्स ईस्ट ठीक है यहां पर हमने ये समझ लिया इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ब्रिविंग क्योंकि ईस्ट का ब्रूइंग में इस्तेमाल होता है दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी ब्रूइंग सॉरी ब्रूअर्स ईस्ट अब अल्कोहलिक बेवरेजेस किस पे डिपेंड करता है इसके टाइप्स किस पे डिपेंड करते हैं इसके टाइप्स डिपेंड करते हैं रॉ मटेरियल जिससे ये डिराइव हुआ है जैसे अगर मैं बियर की बात करूं बीफ और बियर एंड बी और बारले याद रखना बारले के जो ग्रेन होते हैं ना बच्चों उनका जूस निकाल करके समझ लो माल्टिंग प्रोसेस मतलब माल्टिंग का जूस निकाला जाता है ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको और उस जूस से उसको प्रोसेस वगैरह कराते हैं तो आपका जा करके बियर तैयार होती है ठीक है वाइन आपको पता होगा बच्चों वाइन किससे अवेलेबल होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस ठीक है ग्रेव्स बहुत फेमस है आपने ग्रेप्स का देखा होगा बहुत सारी मूवीज में पैरों से ग्रेप्स को दबाते हैं और उससे उसका जूस निकलता है उसको प्रोसेस करते हैं देन यू गॉट टू नो क्या बनता है फिर हमारा वाइन बनता है है ना और ब्रूइंग आपने सुना भी होगा बहुत सारे कैफे ऐसे हैं जो ब्रियो वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो नेचुरल ब्रियो ऐसे करते हैं नेचुरल ब्रियो एस्टेट ऐसे सॉर्ट ऑफ तो आपको ब्रियो पता होगा और यहाँ से वर्ड जो आप रिलेट कर पाओगे कि ब्रूइंग ब्रूइंग इज इज द फॉर्मेशन ऑफ ठीक है प्रोडक्शन ऑफ ठीक है तो बेवरेजेस के टाइप्स डिपेंड करते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल जैसे वोट का वोट का किससे बनता है पोटैटो से है ना तो बच्चों को लगता है मैम पोटैटो से वोट का बन रहा है बेटा प्रोसेस से बनाया जा रहा है ऐसा नहीं कि पोटैटो का जूस निकालोगे और उस जूस को पी लोगे तो वहां नशा हो जाएगा क्योंकि वोट का है ऐसा नहीं होता ठीक है उसके पीछे बहुत प्रोसेस है प्रोसेस कराने के बाद ठीक है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू वोडका बनाया जाता है तो सिर्फ आलू का जूस निकाल लो और उसको पी लो तो वोडका का स्वाद आएगा नहीं आएगा ठीक है दूसरा और किस पे डिपेंड करता है जिस मेथड से वो बने हैं ठीक है थीके? जिस मेथड से वो बने हैं दो मेथड होता है एक मेथड होता है क्या एक मेथड होता है आपका नेचुरल फर्मेंटेशन के थ्रू और दूसरा क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू फर्क क्या है दोनों में अगर नेचुरल फर्मेंटेशन चली है तो अल्कोहल कंसंट्रेशन अल्कोहल कंसंट्रेशन विल नेवर एक्सीड विल नेवर एक्सीड थर्टीन परसेंट तेरह परसेंट से ज्यादा अल्कोहल का कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा ठीक है क्योंकि ईस्ट ही मर जाता है टॉक्सिसिटी कंडीशन क्रिएट हो जाती है और जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है अल्कोहल बनाने में वही मर जाएगा तो जब जब अल्कोहलिक बेवरेजेस नेचुरल फर्मेंटेशन के थ्रू बनेंगे उसमें अल्कोहल का कंसेंट्रेशन कभी तेरह परसेंट एक्सीड नहीं करेगा बट मार्केट में बच्चों विस्की मिलती है रम मिलती है वोटका मिलती है इन सब में बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंसेंट्रेशन है वोटका में बोलते हैं सत्तर से अस्सी प्रतिशत है विस्की में फोर्टी तो टू फिफ्टी परसेंट है तो कहाँ से आ रहा है इनको किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन में पूछ कराया था बच्चों आपको बोर्ड्स के टाइम पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये प्रोसेस ही है जिससे अल्कोहल का कंसेंट्रेशन आप बढ़ा सकते हो प्रोसेस बाय विच प्रोसेस बाय विच एल्कोहल कंसेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड और मेरे बच्चों जब मैंने आपको विजेता की सीरीज में या अल्कोहलिक बेवरेजेस का पार्ट पढ़ाया था तो पूरी की पूरी टेबल लिखवाई थी अल्कोहलिक बेवरेजेस की कितना परसेंटेज होता है अल्कोहल का और किस रॉ मटेरियल से बनते हैं वो जरूर करना ठीक है वो जरूर करना अपने एंट्रेंस के लिए तो मैं आपको बस यहाँ पर इतना बता देती हूँ बच्चों कि कौन कौन से अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं बियर है वाइन है ठीक है थीके? और विस्की, ब्रांडी रम, जिन वोट का ठीक है ये इनमें तीन से छह परसेंट होता है इनमें नौ से बारह परसेंट होता है विस्की में फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट सेम यहाँ पर भी रम में 40 परसेंट अल्कोहल जिन में भी 40 परसेंट अल्कोहल और इसमें 60 से 80 परसेंट अल्कोहल बोलते हैं ठीक है अब आपको अल्कोहल कंसेंट्रेशन देख के ही समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों कि ये नेचुरल फर्मेंटेशन के थ्रू बने हैं है ना और यहाँ पर अल्कोहल का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ये किस प्रोसेस के थ्रू बने होंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी मूवीज वगैरह देखते हो ना तो इसमें थोड़ा अल्कोहल थोड़ा सोडा पानी और आइस जो पार्ट है ना तो ये थोड़ा सा आपको आपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा नॉट बिकॉज आप आपके घर में या ऐसा कोई कंज्यूम करता होगा बट यू नो दिस मूवीज वगैरह में भी इतना सुनते हो समझते हो थोड़ा तो आपको बेसिक नॉलेज होता ही है तो ये आइडिया होगा आपको है ना और क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस पेपर की तो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू दी कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल एज वेल एंड है ना और आपको रॉ मटेरियल भी बताया हुआ है ठीक है तो आपको याद रखना है वेरी गुड ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ओके okay, ये तो क्वेश्चन हो गया बट इससे पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद और कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ते हो आप दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो आप पढ़ते हो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक क्या है एंटी का मतलब अगेंस्ट बायोटिक का मतलब लाइफ किसकी अगेंस्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था दैट वॉज पेंसिलिन जिसको एक्सट्रैक्ट किया था एक फंगस से जिसका नाम था पेंसिलियम बट मेरे बच्चों एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस पे काम नहीं कर रहे थे इस फंगस पर वो एक तरीके का बिल्कुल बाइलक समझ लो इट वाज अ चांस डिस्कवरी वो तो एक बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे थे और उस बैक्टीरिया का नाम था स्टफाइलोकोकस ही वॉज वर्किंग विथ स्टफाइलोकोकस और बाय लक बाय चांस उनको क्या मिल गया उनको मिल गया एक unwashed culture में blue -green color का मोल्ड और उस ब्लू ग्रीन कलर मोल्ड पर जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको पता चला that blue -green mold is nothing but a fungi. और स्टडी किया उन्होंने उससे एक एंटीबायोटिक निकाल दिया एक केमिकल निकाल दिया पेंसिलिन जिसका अब हम यूज एज एंटीबायोटिक करते हैं बट uh, फ्लेमिंग को उसकी फुल पोटेंशियल के बारे में नहीं था फुल पोटेंशियल के बारे में इस्टेब्लिश करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे चेन एंड फ्लोरे बाद में चेन फ्लोरे फ्लेमिंग सबको अवार्ड मिला था हैं और इसको इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी किया गया था वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमने रिवाइज़ किया अल्कोहलिक बेवरेजेस साथ ही साथ हमने रिवाइज किया एंटीबायोटिक्स और आपने पढ़े थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर इंजाइम्स वगैरह के बारे में है ना आपने लाइपेज पढ़ा था जो डिटर्जेंट फॉर्मूलेशन के लिए इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट फॉर्मूलेशन के लिए इस्तेमाल होता है आपने पढ़ा था प्रोटीज एंड पेक्टिनेस के बारे में प्रोटीज एंड पेक्टिनेस क्या करते हैं बच्चों ये हमारे जो फ्रूट जूसेस हैं इनके फाइबर वगैरह को डाइजेस्ट करके और सुंदर बना देते हैं और मार्केट में वही तो बिकती है जो सुंदर हो है ना जो सुंदर दिखेगा वो बिकेगा ठीक है इसीलिए तो हमारे घर में जो जूसेस मम्मी बनाती हैं वो इतने क्लियर नहीं दिखते क्योंकि उसमें फाइबर वगैरह भी होता है है ना लेकिन मार्केट से जो हम जूस लाते हैं वो थोड़े सुंदर साफ और ब्राइट कलर के दिखते हैं क्योंकि उनमें हम उसको क्लियर बनाते हैं द बॉटल द जूस दे आर मेड क्लियर बाई यूजिंग द इंजाइम प्रोटीज एंड पेक्टिनेज और कौन सा इंजाइम था और जो इंजाइम था वो स्टेप्टोकाइनेज स्टेप्टोकाइनेस को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है आपको याद रखना है माइक्रोब ठीक है फटाफट मेरे साथ रिवाइज करते चलो बच्चों और वो माइक्रोब जिससे एक्सट्रैक्ट होता है उसका नाम है स्टेप्टोकोकस और स्टेप्टोकाइनेस का यूज क्या है इट इज यूज एज क्लॉट बस्टर क्लॉट बस्टर का मतलब रिमूव करता है क्लॉट्स जो ब्लड वेसल्स में बन जाते हैं पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में व्हिच हैज अंडरगोन मायोकार्डियल इंफ्रक्शन तो बेटा अगर क्लॉटिंग हो गई ब्लड वेसल्स में तो आपको पता है बहुत भारी भारी दिक्कत हो जाएगी है ना तो वो भारी दिक्कत नहीं चाहते हैं तो पेशेंट्स को इनका डोज दिया जाता है सेप्टोकाइनेस का सो दैट ब्लड क्लॉटिंग जो हुई है ब्लड वेसल्स में वो रिमूव की जा सके इसके अलावा ठीक है इसके अलावा आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़े हुए हैं जिसका मैम ने आपको विजेता में भी पढ़ाया हुआ है बायो कंट्रोल एजेंट्स में आपने पढ़ा है स्टैट के बारे में और साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में स्टैट क्या करता है बच्चों सबसे पहला जो इससे क्वेश्चन आता है एक टाइप का कि माइक्रोब का नाम बताओ जिससे स्टाटन मिलता है तो वो माइक्रोब एक ईस्ट का टाइप है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस ठीक है काम क्या होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है साइक्लोस्पोरिन ए सबसे पहली बात आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोब तो कौन सा माइक्रोब होता है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा क्या है बच्चों ये एक फ्री लिविंग फंगस है क्या है है फ्री लिविंग फंगस ठीक है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं इस साइक्लोस्पोरिन ए का इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जैसे यार आपको किसी को करना है, आपकी मर्जी से नहीं होता है करना चाहिए आपका वो नहीं करता तो वो रिजेक्ट कर देता है लेकिन अगर आपको पता है अगर उसका ऑर्गन आप नहीं दोगे तो वो मर सकता है तो क्या किया जाता है उस पेशेंट के इम्यून को थोड़ा सप्रेस करके ठीक है फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करी जाती है तो उसके लिए सप्रेशन के लिए रिकॉर्डेंट एजेंट तो दैट एजेंट कैन बी साइक्लोस्पोरिन ए तो इसीलिए साइक्लोस्पोरिन ए को हम क्या बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट हमने फटाफट ये सब भी कर लिया ठीक है और कहां पर इस्तेमाल होता है माइक्रोब्स का माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम पढ़ते हैं हम कहां पर पढ़ते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में सीवेज ट्रीटमेंट में सीवेज ट्रीटमेंट कहां होती है सीवेज ट्रीटमेंट होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ठीक है सबसे पहली बात सीवेज पर क्वेश्चन आता है तो सीवेज क्या है एक म्यूनिसिपल वेस्ट है और सबने सीवेज की लाइन सीवेज की पाइप देख रखी होगी अपने गली कॉलोनी में है ना आपको पता है वो सारी सीवेज की पाइपलाइंस कहाँ जाकर के खुलती हैं रिवर बॉडी में अगर वो सीवेज को बिना ट्रीट किए आप एज इट इज डिस्चार्ज कर दोगे तो वो सीवेज का सारा गंदा कचरा कहा जा रहा है अल्टीमेटली रिवर में और रिवर में हम बड़े मजे से छलांग मार मार के नहाते हैं बेटा अगर बिना ट्रीट किए भेजोगे तो रिवर भी गंदी है बिकॉज सीवेज कोई अच्छा वाटर थोड़ी है सीवेज इज अ वेस्ट वाटर ठीक है एंड इट इज हाईली पोल्यूटेड बीवेज कोई साफ पानी थोड़ी है साफ होता तो सब पी लेते हैं। मजे में है ना बट साफ तो है नहीं यार इट इज अ पोल्यूटेड वाटर एंड दिस पोल्यूटेड वाटर हैज मेनी पैथोजेन्स पैथोजेन्स मतलब पैथोजन पैथोजेनिक है इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट है इसमें और इसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है हमारा एक्सक्रीटा ह्यूमन एक्सक्रीटा तो खुद ही सोच लो कितनी गंदगी है इसमें है ना देर आर लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी पैथोजेनिक देर इज टू मच ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा ज्यादातर मोस्ट ऑफ दी जो हमारा सीवेज का प्रोपोर्शन है दैट इज फॉर्म बाय ह्यूमन एक्सक्रीटा ठीक है तो हमें इस सीवेज को ट्रीट करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए ये सीवेज को गुजरना पड़ेगा कहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजर जाता है तो काफी हद तक पॉल्यूशन को क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है बट आफ्टर द ट्रीटमेंट इन ट्रीटमेंट प्लांट्स पॉल्यूशन काफी हद तक कम हो जाता है ठीक है तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं ना बच्चों इनमें तीन प्रोसेस अपनाया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब आप एक सीवेज को प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे देते हो तो उसके बाद काफी हद तक पोल्यूशन कम है तो आप इसके बाद वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हो रिवर में। बट अगर आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद मान ये आपने कर लिया अगर आपको पानी को डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना है फॉर पर्पस तो आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद डायरेक्टली उस पानी को डोमेस्टिक के लिए यूज नहीं कर सकते वो पानी इतना भी साफ नहीं कि घर के लिए इस्तेमाल हो जाए प्राइमरी सेकेंडरी के बाद इतना कम हो चुका है पोल्यूशन आप उसको रिवर में भेज सकते हो बट इतना कम नहीं हुआ कि उसको पाइप से ला करके अपने घर में इस्तेमाल कर लो घर के लिए आपको स्वच्छ शुद्ध साफ पानी चाहिए है ना सो so आपको डोमेस्टिकपज के लिए क्या कराना पड़ेगा टर्जरी ट्रीटमेंट ठीक है और टर्जरी ट्रीटमेंट कराने के बाद पानी काफी हद तक साफ हो जाता है काफी हद तक क्या अगर आप डोमेस्टिक यूज कर रहे हो तो इसमें देर विल बी नो पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह सेकेंडरी से डिलीट नहीं होता अगर डीडीटी वगैरह डिजॉल्व है ना तो वो टर्जरी से ही जाएगी ठीक है पानी में कोई टर्बिडिटी नहीं होगी मटमैला पानी नहीं होगा साफ सुथरा पानी होगा ठीक है क्यों क्योंकि टर्जरी ट्रीटमेंट में टर्जरी ट्रीटमेंट में बच्चों कौन सा कलर इस्तेमाल करें टर्जरी ट्रीटमेंट में देयर इज यूज ऑफ केमिकल एज वेल एज फिजिकल रेडिएशंस और इन चीजों का इस्तेमाल करके पानी को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन का तभी जब हम पानी कभी-कभार पीते हैं वाटर ट्रीटमेंट में भी क्लोरीन का, होता, हमें क्लोरीन का टेस्ट आता है ठीके? क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम पर मैगनेट के सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं जीरो का इस्तेमाल करते हैं ओथ्री का इस्तेमाल करते हैं यस ओजोन ओजोन इज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट बच्चों ठीक है और ओजोन कैन बी यूज इन दी सीवेज ट्रीटमेंट कौन से प्रोसेस में टर्जरी वाले में ठीक है क्योंकि टर्जरी में केमिकल और फिजिकल दोनों का इस्तेमाल होता है तभी इसको हम फिजिको केमिकल प्रोसेस कहते हैं प्राइमरी में सिर्फ क्या इस्तेमाल होता है प्राइमरी में सिर्फ फिल्टर करते हो फिल्टर मतलब छन्नी की छन्नी से छान लेते हो ठीक है डिफरेंट साइज की छन्नी लगी होती है वो डिफरेंट पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देती है फिर जो छोटे छोटे होते हैं उनको सेडिमेंट कर लेते हैं दैट इज वाई प्राइमरी को फिजिकल कहा जाता है और सेकेंडरी को क्या कहा जाता है सेकेंडरी को बायोलॉजिकल कहा जाता है क्यों क्योंकि सेकेंडरी में ही बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और उन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या होता है बच्चों फ्लॉक्स सब कुछ पढ़ाया है इसलिए कहा जा रहा है वन शॉट जरूर देख करके वीडियो को करना अगर अभी तक नहीं देखा है प्लीज पॉज इट अदरवाइज क्वेश्चंस विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू ठीक है ओके सो ये हमने पढ़ा था उसके बाद और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में ठीक है बायोगैस क्या होता है बच्चों बायोगैस एक मिक्सचर ऑफ गैस है ठीक है इसमें मीथेन होता है मेनली मीथेन होता है इसके अलावा और भी गैसेस होते हैं ठीक है और इसको बनाया जाता है फ्रॉम द रॉ मटेरियल गोबर एंड दैट इज व्हाई इसको गोबर गैस भी बोलते हैं ठीक है आपको पता है गोबर कहाँ से मिलते हैं कैटल से ठीक है तो कैटल जो हमारा है तो उनके गट्स होते हैं मतलब पेट जो होता है ठीक है उसमें एक वहां पर क्या मिलता है वहां पर एक बैक्टीरिया मिलता है उस बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजेंस, ठीक है तो जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होता है बायोगैस प्रोडक्शन में वो ग्रुप को हम मिथेनोजैन बोलते हैं और मिथेनोजेन में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है दैट इज मिथेनो और मिथेनो एक ऑब्लिकेट एनेरब है ऑब्लिकेट मतलब स्ट्रिक्ट एनरोब

बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब क्या होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स जो स्टैटन्स थे वो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स थे क्या थे वो स्टैटन्स और जो हमने पढ़ा था दैट वाज बायो एक्टिव शायद उस टाइम पर मैंने बायो कंट्रोल बोला था डोंट गेट कंफ्यूज दैट वाज अ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ना वो मॉलिक्यूल्स जो आप किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं ठीक है बायो कंट्रोल एजेंट्स में क्या होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो किसी एक चीज को कंट्रोल करते हैं जैसे मॉस्किटो को कंट्रोल करना है तो अब मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए या तो आप हेड छिड़को हेड कोई फायदेमंद थोड़ी है आप उसको इनहेल भी तो कर रहे हो और आप तो छोड़ो और आसपास जो भी है अगर आपको सॉइल में कोई इंसेक्ट घूम रहा है तो आप इंसेक्टिसाइड मारो डालोगे तो सॉइल भी तो खराब होगी प्लांट भी तो

बायो मीन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स मतलब हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को एज अ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए क्यों केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे जहाँ केमिकल है नुकसान तो हो गई होगा तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंस्टेड की हम अपने फार्मिंग को केमिकल डिपेंडेंस बनाएं हमें अपनी फार्मिंग को बायो फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट बनाना चाहिए कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंजाई का इस्तेमाल कर सकते हो बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हो और जब आप ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हो एज अ फर्टिलाइजर और खेतों में डाल करके खेती करते हो ऐसे फार्मिंग को क्या कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल काफी जोर हम नहीं देते कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो मार्केट से ऑर्गेनिक सब्जी लाओ केमिकल वाली सब्जी ना लाओ ठीक है क्योंकि आपको पता है इंजेक्शन दे दे करके ठीक है सब्जियां पकाई जाती हैं तो दे आर नॉट नेचुरल ठीक है केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वी शुड नॉट डिपेंड ऑन केमिकल वी शुड डिपेंड ऑन बायो फर्टिलाइजर्स एंड दैट टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग तो मैम ने थोड़ा सा टाइम लिया ठीक है 25 30 मिनट्स आपको क्विक रिवीजन दिया है बट मेगा रिवीजन ढाई तीन घंटे का हमने वन शॉट में किया होता है तो इसलिए मैम बार बार इम्फोसाइज कर रही गो फॉर दैट है ना ओके okay, तो अब हम एक एक करके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सो so थोड़ा सा यूजफुल होगा आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्टली क्या इसमें से इनकरेक्ट है वैम क्या होता है बच्चों वैम इज वेजिक्यूलर वेजिक्यूलर और बेस्क्यूलर माइकोराइजा इसका फुल फॉर्म ये है और माइकोराइजा क्या होता है माइकोराइजा मान लो ये रूट्स है ठीक है ये रूट है हायर प्लांट का और इस रूट में क्या प्रेजेंट है इस रूट में प्रेजेंट है फंजाए तो फंजाए और इस प्लांट का जो रिश्ता है इस रिश्ते को माइकोराइजा बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों इस रिश्ते को माइकोराइजा बोलते हैं और ये जो वैम है ना माइकोराइजा के दो टाइप्स होते हैं, एक, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है फॉस्फोरस का तो ये तो बिल्कुल सही है ठीक है सोयाबीन को स्मूदर क्रॉप कहा गया ये भी सही है स्मूदर क्रॉप क्या होता है बच्चों वो क्रॉप्स जिनका इस्तेमाल करते हैं हम वीड के ग्रोथ को रोकने के लिए वीड के ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए वीड क्या है वो कोई अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे मेन प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाता है यार और वो हमारे मेन प्लांट के साथ कंपीट करता है उनका खाना पानी खुद खा जाता है तो बेटा अगर उनका खाना पानी वीड खा जाएंगे तो मेन प्लांट कैसे ग्रो करेगा है ना तो मेन प्लांट नहीं चाहिए हमें एंड दैट अनवांटेड प्लांट दे आर सेट टू बी वीड्स तो वीड्स को के ग्रोथ को करना है तो हम जिस क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं उनको स्मूथर क्रॉप्स बोलते हैं और मेरे बच्चों एक स्मूथर क्रॉप अगर आपके कोई लेग्यूम ठीक है मान लो कोई लेग्यूमिनस प्लांट आपने इस्तेमाल किया तो स्मूथर क्रॉप का एक और फायदा है लेग्यूमिनस प्लांट क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं तो ये भी सही है ये क्या है ये एक लेग्यूम है तो लेग्यूम प्लांट को हम स्मूदर क्रॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बात सही है ओजोन गैस प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं इन्वॉल्व होता मैंने आपको बताया था ओजोन इज अ वेरी गुड डिस बट इट इज यूज इन विच काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट तो ये गलत है रोटेनॉन नॉन टैचुरल है है yes, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है ये एक कलरलेस कलरलेस ओडरलेस क्रिस्टलाइन ठीक है एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, 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 ये बिल्कुल सही बात ठीक और वेजिटेटिव पार्ट में कुछ प्लांट्स के मिलता भी, जैसे फेबेसी, मतलब अभी मैंने आपको बताया था द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा ये यूज होता है साइक्लोस्पोरिन ए बनाने में मतलब cyclosporine A. Cyclosporine A के में हेल्प करता है साइक्लोस्पोरिन ए क्या है एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है है ना लेकिन यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं की क्योंकि हमारे पास उसका ऑप्शन नहीं है आपने ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट में भी पढ़ा हुआ है किस में पढ़ा हुआ है बायो कंट्रोल एजेंट में और एनसीआरटी पढ़ोगे साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंगस है और ये रूट पैथोजन मतलब रूट इकोसिस्टम में वेरी इफेक्टिव है इन कंट्रोलिंग सेवरल प्लांट पैथोजन इन कंट्रोलिंग सेवरल प्लांट पैथोजन ठीक है तो सबसे पहला ऑप्शन सही है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब बायोलॉजिकल बायो कंट्रोल एजेंट है इन कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस कहाँ पर रूट इकोसिस्टम सिस्टम में पर्टिकुलरली प्लांट पैथोजन से बचा करके रखता है

फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल हुए हैं सो दैट ऑयली स्टेन वगैरह को रिमूव किया जा सके प्रोटीज एंड पेक्टिनेज ये बात सही लग रही है ठीक है ये सही है अच्छा आपको इनकरेक्ट ही मैच करना था पहला ही इनकरेक्ट है बाकी तीनों करेक्ट है देख लो स्टार्ट ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है वेरी गुड साइक्लोस्पोरिन है एजेंट होता है ये भी सही है फ्रूट जूसेस को पैक्टनेस और प्रोटीन से क्लियर बनाते हैं ये भी सही है ठीक है नेक्स्ट क्या है न्यूट्रिय मीडिय बी फॉर बियर एंड बी फॉर बार्ले से याद रखा था माल्ट ठीक है पोटेटो से वोट का ठीक है एप्पल से आपको पता है ठीक है तो जनरली बनाए जाते हैं और फर्मेंटेड सीरियल से आपकी विस्की वगैरह बनाई जाती है ठीक है और भी एल्कोलिक बेवरेजेज है जो फर्मेंटेड सीरियल के रिजॉल मतलब सीरियल को जब फर्मेंट कराओ तब मिलते हैं

स्टैट के बारे में आपको तो पता है है ना तो मैम वही बता रही थी स्टैटंस क्या होते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं और ये कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं ये एक एंजाइम है और उस एंजाइम का नाम ये है इसको कॉम्पिटिशन देते हैं ठीक है कैसे देखो ये जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों हाइड्रोक्सी मिथाइल ठीक है ग्लूटेराइल ये जो को ये इसका तो पता ही होगा बच्चों दिस इज को एंजाइम ए ये जो एंजाइम है ये इन्वॉल्व होती है एक पाथवे में ठीक है आप इस पाथवे को ऐसे याद रख लो मेवालोनेट पाथवे बोलते हैं उसको बट आप ऐसे याद रख लो पाथवे में इन्वॉल्व होती है और उस पाथवे का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को बनाना किसको बनाना कोलेस्ट्रॉल को बनाना

उस चीज़ में बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं तो इनकी स्पेसिफिकेशन यही है कि स्विस चीज़ में बड़े बड़े होल्स होते हैं ठीक है तो इसको किससे बनाते हैं एक बैक्टीरिया से उस बैक्टीरिया का नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी अब सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको स्पेलिंग्स पे ध्यान देना पड़े है ना

अरेशन टैंक में एक फैन लगा होता है जो कॉन्टीन्यूसली एजिटेट कर रहा होता है उसके एजिटेशन से क्या होता है ऑक्सीजन ठीक है और बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया और फंगस के जो फिलामेंट्स है वो आपको क्या करते हैं फ्लॉक्स बना बनता हुआ दिखाई देता है आपको और ये फ्लॉक्स क्या करता है डाइजेस्ट करता है किसको हमारे सीवेज को सीवेज के डाइजेशन के बाद बीओडी घट जाता है बीओडी का घटना मतलब पोल्यूशन का घटना सो so दैट ये सारा का सारा कंटेंट अपने नेक्स्ट टैंक में जा सके उस टैंक का नाम होता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक जहाँ पर ये जो भी सामान है यहाँ पर भेज करके उसको सेटल कराया जाता है तभी इस टैंक को सेटलिंग टैंक बोलते हैं और जब चीज़ें नीचे सेटल हो जाती हैं इस सेटल स्लच को एक्टिवेटेड स्लच कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है आंसर तो क्या हो जाएगा बच्चों कहा पर टैंक जो जो सेडिमेंट सेटल हुआ उसको क्या बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्राइमरी स्लज तो आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट में मिलता है एनेरोबिक स्लज आपको कहां पर मिलता है एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ठीक है प्राइमरी एफ्लुएंट एफ्लुएंट लिक्विड पार्ट होता है ठीक है स्लज सॉलिड पार्ट है नेक्स्ट

फिक्स करता है नॉन लेग्युमिनस प्लांट में और नॉस्टॉक बीजिए है ठीक है एजोस्पायर एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है फ्री लिविंग फिक्सर है ओके नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू मैच फ्रॉम द फॉलोइंग एनलिस्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट स्टेप्टोने से है सही बात है

ठीक है क्या नाम होता है लाइपेस तो ये गलत है दिस इज रॉन्ग ठीक है अमाइलेस कैंडो कैंडिडा लाइपोलिटिका से नहीं होता इससे जो एंजाइम हम डिराइव करते हैं वो लाइपेस अमाइलेस कुछ फंजाइस एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और एक फंजाई का नाम है आस्पर हो सकता है ठीक है पेंसिलियम राइजोपस ठीक है, है, करना करना था था। ना? नहीं, correct match करना था. Okay. देखो, ये गड़बड़ी होती इसीलिए मैडम ने कहा था ना, correct mark करना है। है, तो correct तो वैसे पहला वाला ही बाकी देख लेते incorrect क्यों हैं? नहीं, Statin कहां से निकलता है ट्राइकोडर्मा पोलिसम क्या बनाता है साइक्लोस्पोरिन ए साइक्लोस्पोरिन ठीक है, मोनास्कस से निकलता है नहीं ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से निकलता है तो सिर्फ पहला ही सही है। Next चलेंगे वेस्ट को क्या बोलते हैं? शुरुआत बता दिया था बच्चों। को क्या क्या कहा जाता है? है? ठीक हो, होता है बच्चों एनिमल जो एनिमल वेस्ट होता है ठीक है और यूरिन पार्ट दैट इज सेट टू दैट इज सेट टू बी मैन्योर है ना

ये ये तो गलत हो गया, ये तो गलत गलत हो हो गया, गया। तो क्योंकि इसका मतलब ही होता है रेड कलर और इससे एक नेचुरल डाई भी निकाली जाती है रेड कलर की जिसका नाम होता है कार्मिन ठीक है जिसका नाम क्या होता है कार्मिन ठीक है तो ये बिल्कुल सही बात है ये इस पर रहते हैं अपने न्यूट्रिशन पर्पज के लिए तो दैट इज ओके बट दिस इज नॉट दिसर वाला बिल्कुल भी सही मैच नहीं है नेक्स्ट है विच वन इज नॉट यूज एज बायो पेस्टिसाइड तो पहला ऑप्शन है ठीक है बेटा पहला ही गलत हो गया क्यों क्योंकि ये तो बैक्टीरिया है ठीक है और ये बैक्टीरिया क्या है जो प्लांट डिजीज कॉज करता है ये खुद ही प्लांट डिजीज कॉज कर रहा है इसको तुम क्या पेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल करोगे और कौन सी डिजीज कॉज करता है ब्लैक रॉट ऑफ वाले मेंबर्स जो होते हैं ना उनको बोला जाता है जैसे मस्टर्ड दैट इज सेड टू बी क्रूसीफोर्स ठीक है नेक्स्ट ड्यूरिंग वेस्ट ट्रीटमेंट मिथेजन बिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज्ड फॉर

और ये एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं एनएरोबिकली स्लज को डाइजेस्ट करते हैं और उसके डाइजेशन के बाद बनता है मिक्सचर ऑफ गैस दैट इज टू बी बायोगैस तो सीवेज ट्रीटमेंट के एक दो फायदे हैं सीवेज को ट्रीट करोगे पोल्यूशन कम हो जाएगा है ना और उस पानी को आप डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो कटर्जरी ट्रीटमेंट कर लो और आप देखो ट्रीटमेंट में बायोगैस का प्रोडक्शन भी इस्तेमाल है ठीक है मतलब कर सकते हो तो कब करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं

एक वो हो गया ना क्या कहते हैं उसको नाइट्रोजन फिक्सर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर एसिटोबैक्टर एसिटाइ एसिटोबैक्टर एसिटाइ क्या होता है इससे निकलता है हमारा एसिटिक एसिड और यही एसिटिक एसिड को तुम किसकी तरह इस्तेमाल करते हो विनेगर ठीक है और राइजोबियम हमारा क्या होता है ये भी नाइट्रोजन फिक्सर होता है कैसा लेग्यूमिनस प्लांट वाला ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इसका एसिटोबैक्टर एसिटाइल ठीक है इसके लिए भी हमने एक टेबल लिखी हुई थी एनसीईआरटी में सॉरी अपने नोट्स में वहां से आपका ये भी हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स ओहो ये तो आपको रट चुका होगा बीफ और बार्ले बीफ और बियर ठीक है वाइन फ्रूट जूस से निकलता है फ्रूट के जूस से बनता है विस्की, फर्मेंटेड सीरियल से बनती है सीरियल्स को फर्मेंट करा करके बनती है ठीक है और बियर बार्ले से बनता है आलू से वोद का बनता है फ्लॉक्स फ्लॉक्स क्या होते हैं मार्शेज ऑफ एनरोबिक नो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स का जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लॉक्स कहा जाता है बट एरोबिक बैक्टीरिया का ठीक है किसका एरोबिक बैक्टीरिया का मास ऑफ एरोबिक इन फंगल फिलामेंट्स ये सही यहां पर भी एनरोबिक है साइनो का नहीं होता नेक्स्ट बॉटल जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ

साइकस साइकस के रूट में आपको एक बीजीए दिखाई देता है और उस बीजीए का नाम होता है एनाबिना तो ऐसे एनाबिना स्पीशीज को हम एनाबिना साइकेडी कहते हैं क्या कहते हैं साइकेडी ठीक है तो कहां क्या हो जाएगा वेजिटेटिव पार्ट ऑफ साइकस वैसे ये भी क्या है हमारा जिम्नोस्पर्म है बट इसमें फंजाई मिलता है इनके रूट्स में तो इन माइनास के पास माइकोराइजल एसोसिएशन होता है जबकि साइकस के पास एनाबीना वाला एसोसिएशन होता है ठीक है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 11 से रिलेटेड है ये प्रोकैरियोट दैट इज कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ एससीपी स्ट्रेप्टोकोकस सोर्स ऑफ एससीपी नहीं है फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्स करने वाला नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है। Spirina, एक ब्लू ग्रीन एलगी है ठीक है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम एस की तरह और ब्लू ग्रीन एलगी आपको पता है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट नेक्स्ट चलते हैं बच्चों विच ऑफ दाइक्रोबूज फॉर राइपनिंग ऑफ स्वि स्विश चीज ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा करके वही पूछा हुआ और हमने पहला किया हुआ है स्विस्ट चीज एक बैक्टीरिया से बनता है और बैक्टीरिया का नाम क्या है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज मार्केट में मिलते हैं बच्चों ये भी एक चीज बनाता है जिसका नाम होता है रॉकी फोर्ट चीज ठीक है पेंसिलियम कैम्बाई भी एक चीज बनाता है जिसका नाम होता है कैम्बोट चीज

with respect to STP is a product of primary treatment. Secondary sludge कोई primary treatment का product थोड़ी है यार primary treatment का product तो primary sludge और primary effluent होंगे ना contain flocs ये बात बिल्कुल सही है undecomposed matter नहीं है ठीक है contains grid grid वगैरह हमारे primary में होती filter वाली जो grid होती है ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number second Clostridium butyricum is the source of क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटारिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया जाता है ठीक है ब्यूटारिक एसिड मिलता है सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलस नाइगर से मिलता है एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाइज से ये वाला ऑर्गेनिक एसिड किससे मिलता है एसिटोबैक्टर एसिटाइज से ठीक है

यहाँ लिखा हुआ है कि हम मेट्रोट्रोफिक माइक्रोस बाहर से ऐड करते हैं ओनली दिस इज रॉन्ग इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन ये वाला स्टेटमेंट सही है ठीक है इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन नेक्स्ट चलते हैं एंजाइम टीपीए और स्टेप्टोकाइनिज इज यूज्ड फॉर देखो स्टेप्टोकाइनिज और टीपीए लगा तो समझ में आ गया ये इसका दूसरा नाम है टीपीए का मतलब क्या होता है टीपीए का फुल फॉर्म है टिश्यू एक्टिवेटर अब ये क्या होता है बच्चों ये वो है जो किसको एक्टिवेट करता है या आप कह सकते हो इट इज प्री करसर ऑफ प्लाज्मिन अब ये प्लाज्मिन क्या करता है बेटा प्लाज्मिन क्या करता है बच्चों हमारे ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट क्लॉट वगैरह बन गया तो इन को रिमूव करने के लिए ये प्लाज्मो एक्टिवेट हो जाता है और वो इन टर्न किसको एक्टिवेट कर देता है प्लाज्मिन जो हमारे क्लॉट्स वगैरह को ब्लड वेसल्स में जो बनते हैं उनको रिमूव कर देता है तो क्या काम होगा ब्लड क्लॉट्स को डिजोल्व करना ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करना ठीक है नेक्स्ट है

नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया हेल्प करता है फार्मर को किस तरीके से रिड्यूसिंग एल्कनिटी ऑफ सॉइल वाटर लॉगिंग थोड़ी कराएगा वाटर को थोड़ी फंसा देगा सॉइल के गैप्स में रिड्यूसिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल बाय डीनाइट्रिफिकेशन नहीं आप जब पढ़ोगे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में साइनोबैक्टीरिया फर्टिलिटी को बढ़ाता है बाय रिड्यूसिंग द एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल एल्कलाइन सॉइल इज नॉट गुड फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग ठीक है तो साइनोबेक्रे का इस्तेमाल करके हम एल्कलिनिटी ऑफ सोइल को रिड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए क्या है साइक्लोस्पोरिन ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है नहीं भैया क्लॉट बस्टर है नहीं भैया ईस से बनता है मोनास्कस परप्यूरीयस से नहीं ये एक फंजाई से बनता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा तो भैया ये है क्या ये है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट

वो माइक्रोब है जिससे पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस मतलब मैं कंबाइन करके बता रही हूँ ठीक है क्योंकि पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस दोनों के बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने तो उन दोनों को अगर हम कंबाइन करके पता नहीं कि एंजाइम कौन सी है तो ये वाली भी है जिसका नाम एस्परजिलस नाइगर है और जो दूसरी वाली है एम ओ आर ओ गायब है ठीक है मोशेला ये हमारी रेनिस्पोराई क्या है ये एक फंजाई है ये भी इस्तेमाल होती है वो एंजाइम बनाने के लिए जो फ्रूट जूसेस को क्लियर कर सकती है ये वाली और ये वाली तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ वन एंड टू ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है ये आउट ऑफ दी बॉक्स क्वेश्चन है इसलिए एडेड है ठीक है हमेशा यू गेट सम आउट ऑफ दी बॉक्स क्वेश्चन तो वो करना पड़ेगा नेक्स्ट है फ्लॉक्स आर यूज इन दीव ट्रीटमेंट एट द्लॉक्स कब इस्तेमाल करते हैं बच्चों मैंने आपको शुरुआत में बताया था रिवाइज करवाते वक्त कब इस्तेमाल होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं और क्योंकि फ्लॉक्स क्या है एरोबिक बैक्टेरिया प्लस एरोबिक बैक्टेरिया प्लस फंगल के फिलाेंट्स तो यहाँ पर क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज हो गया है तभी हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों बायोलॉजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल मेथड फिजिकल ट्रीटमेंट टर्जरी को बोलते हैं ठीक है प्राइमरी का दूसरा नाम फिजिकल होता है और सेकेंडरी का दूसरा नाम बायोलॉजिकल होता है बार-बार इसलिए लिख रहे हैं सो दैट आपके दिमाग में बस जाए बात ठीक है नेक्स्ट क्या है

मतलब मतलब आइटम एक ही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नाम है टेम्पु इंडोनेशिया में है टोफू चाइन चाइना कंट्री का ओरिजिन है ठीक है सोफू जापान में ओरिजिन हुआ ओरिजिनेट हुआ था बट ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया मार्केट्स में मिलते नहीं इंडिया मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं अगर आप अच्छे सुपरमार्केट में जाओगे यू कैन गेट टोफू है ना जो हम जैसे मुझे तो टेस्ट वाइज थोड़ा चीज जैसा लगता है ठीक yes, uh, है बट येस डिफरेंट नेम है डिफरेंट कंट्रीज का ओरिजिन है और तीनों फर्मेंटेड सोयाबीन के ही प्रोडक्ट हैं ओके okay? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या है विच लीकर नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम दी फर्मेंटेड सीरियल्स ये तो पता होगा बच्चों ठीक है ये किसी ना किसी सीरियल्स के फर्मेंटेशन का ही रिजल्ट है बट एक सब्जी का रिजल्ट है सब्जी मतलब एक आलू के फर्मेंटेशन का रिजल्ट है दैट इज वो का

तो आप देखो आपको पता है कर्ड लैक्टोबैसिलस से बनता है इतना तो आपने पढ़ा था बट उसका पूरा नाम क्या है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस तो ये बात सही है स्विस चीज तो एनसीईआरटी देखो लिखती है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ठीक है योगर्ट लैक्टोबैसिलस जीनस तो सेम है बट दी क्रिमारिस जो आगे लिखा हुआ है दैट्स इज रॉन्ग जो इसका सही नाम है टर्स बल्गारिकस ये वाला

सो so येस yes, बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं है ना दैट्स ऑल फॉर दिस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर एंड प्लीज आप एनसीआर की रीडिंग करिए ठीक है क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिया हमने सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे बच्चों तब तक के लिए मेहनत करते रहना है ना एंड टेक केयर एवरी वन बाय बाय